दोस्तों आज के हमारे इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू वाले सेगमेंट में हमारे साथ जुड़ गए हैं नवजोत सिंह सिद्धू जी। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। सर जी, सिद्धू जी नमस्कार। देश के सबसे तगड़े कॉमेडी शो में, जिसमें हम न किसी जज को बिठाते हैं और न उस जज को जबरदस्ती हंसने के पैसे देते हैं, उसी में आपका स्वागत है। नमस्कार। बड़ा ऐड रहा है। ऐड रहा हूं अपने पैसे का, ऐड रहा हूं। इंटरव्यू शुरू करते हैं, आप एंटरने बैठने में, इंटरव्यू शुरू करते हैं। मेरी बात सुनो। हाँ सुनेंगे, पहले आप तो मेरी सुनो ना प्लीज। एक मिनट मेरी बात सुनो। बोलिए, सुन रहा हूँ, बोलिए। जिस स्कूल में बेटा तू 20 साल पहले पढ़ता था, उसका प्रिंसिपल मैं 25 साल पहले रहता था। वही प्रिंसिपल ना, जिसको पीठ पीछे गाली मिलती थी, वही प्रिंसिपल। मेरे दोस्त, बिन मांगे मोती मिलते हैं और मांग के भीख तक नहीं मिलती। ना मुझे मोती चाहिए, ना मुझे भीख चाहिए, मुझे इंटरव्यू चाहिए पाजी। एक छोटा सा इंटरव्यू मिल जाएगा। दुबई, सिंगापुर, आप गुजरात ले लीजिए। अरे गुजरात लेके मेरे को ढोकले बेचने वहां यूपी में कांग्रेस का ढोकला, सॉरी कांग्रेस हार गई, इस पे आपका क्या कहना है ये बताइए आप। ये जो दो बड़े अहंकारी थे, आज उनका सर्वनाश हुआ है। अहंकारी, क्या नाम थे उनके? नाम सब जानते हैं, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। अच्छा यूपी में हार, ठीक है मान गया। यूपी में हारने के बाद अखिलेश यादव जी से कुछ फोन पे बात हुई थी आपकी, मैंने ऐसा सुना कहीं पे, उन्होंने हार का कारण क्या बताया? इसका सारा श्रेय इन कार्यकर्ताओं को और मेरी धर्मपत्नी को जाता है। पत्नी का क्या रोल था उनके हारने में, मतलब मैं समझ नहीं पाया। पत्नी का रोल, पत्नी ही तो झंडे में डंडा है। झंडे में डंडा। और चाचा बाबा शिवपाल जी कौन है? तंबू में बंबू है। तंबू में बंबू। और रामगोपाल यादव कौन हुए? क्यों पुत्र तनु, और कोई सवाल नहीं लगे जिंदगी। अरे छोड़िए इसको, एक बात बताइए, यूपी में आपकी पार्टी हारी, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार हारी, मणिपुर में आपका क्या हुआ सब जानते हैं, गोवा में आपके हाथ कुछ नहीं लगा, फिर भी आप इतने खुश कैसे हैं शरीफा? के राहुल भाई, सोनिया जी, प्रियंका जी, और कैप्टन साहब की आखिरी इनिंग जो है। आखिरी इनिंग मतलब उनकी पॉलिटिक्स खत्म, फिर पार्टी पर किसका हक होगा? सिद्धू जी, मेरा हर चीज मेरी। मतलब पार्टी पर कब्जा कर लेंगे आप? हैं कर ले। इसीलिए आप कांग्रेस में आए हैं। अच्छा वैसे आप अपने कॉमेडी शो में ऐसे ही हंसते ना जबरदस्ती? अच्छा तो ये बीजेपी वालों को तो पता होगा ना, मतलब इसके बारे में कि आप पार्टी में क्यों आए, इस पार्टी में प्लानिंग पहले से ही बता रखी है। मतलब बीजेपी वाले भी आपसे मिले हुए हैं सिद्धू जी? हैं? जिस स्कूल में बेटा तू 20 साल पहले पढ़ता था, उसका प्रिंसिपल मैं 25 साल पहले रहता था। वैसे तो हाथ मेरे रंगे, लेकिन मैंने आपको रंगे हाथों पकड़ लिया है। अरे अरे मेरे हजूरे वाला। हजूरे वाले को छोड़िए, मफलर वाले का बताइए, वो क्यों हारे? केजरीवाल साहब इसलिए हारे क्योंकि नियत में खराबी थी। ये केजरीवाल सर, ये आप बोल रहे हैं आपकी नियत खराब थी, आप क्या बोलेंगे? तुम्हारे तो कर्म फूटे हैं। अब बताओ, कर्म फूटे बोला इन्होंने? जिस स्कूल में बेटा तू 20 साल पहले पढ़ता था, उसका प्रिंसिपल मैं 25 साल पहले रहता था। केजरीवाल जी ये स्कूल प्रिंसिपल वाला डायलॉग मार रहे हैं आप पे सिद्धू जी। ये गधे वाला मोटर चालू हो गया इनका, ये मोटर ना रुकने की सिद्धू जी, ना रुकने की ये मोटर। ये सुनना ही नहीं जा रहा, बोली जा। अरे क्या बोली जा, बोली जा यार, मतलब आप लोग सारे लोग मिलके ना, अम्मा सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। पागल बना रहे हैं, पागल बना रहे हैं सिद्धू जी। और ऐसे अपनी पार्टी को भी पागल बनाते रहेंगे। अब इंटरव्यू खत्म कर रहे हैं, और बात कर रही है। अरे निकलो यार, खत्म इंटरव्यू, खटाक बात खत्म, खटाक खटाक। ओके बाय, लव यू। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। अगर शो आपको पसंद आया, नहीं भी आया, ये मेरा ट्विटर हैंडल आया, ट्वीट करी, लकी हुए तो अगले एपिसोड में आपका ट्वीट दिखा सकता हूं मैं, विद कंडीशन अप्लाई। लेकिन जाने से पहले आप लोगों के फन हित में एक बात जारी, ये मेरे मुंह से आ रही है और बात यही है कि ब्यूटीफुल लड़की की डीपी देखकर फेसबुक पर फंसना, ब्यूटीफुल लड़की की डीपी देखकर फेसबुक पर फंसना और इतना बढ़िया शो देखकर हंसना,
बहुत जरूरी है। थैंक यू। और जाने से पहले मैं बता दूं कि आम लोगों की तरह ये शो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को भी पसंद आ रहा है, आप मानेंगे नहीं मेरी बात? मानेंगे नहीं ना? अक्षय कुमार जी शो के बारे में क्या कहते सर, शो देख के कैसा लग रहा है आपको? अक्षय कुमार एकदम डायरेक्ट बोलो, दिल से बोलो भाई, मजा आ रहा है, जबरदस्त मजा आ रहा है। ये वही अक्षय कुमार थे जिन्होंने बेबी फिल्म में हाफिज सईद का मुंडन किया था। थैंक यू वेरी मच। आगे पन की बात में फिर से मिलेंगे, इजाजत दीजिए रौनक को, तब तक टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद एंड आई लव यू। नेता इतनी बड़ी बड़ी जगहों पर रैलियां करते हैं, भाषण देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, मैं जा नहीं पाता, टाइम नहीं है मेरे पास। इसीलिए मोदी जी ने भी हाल ही में मेरठ में एक जबरदस्त धमाकेदार रैली करी थी, मैं वहां जा नहीं पाया, इसलिए स्टूडियो से ही मैंने कुछ क्वेश्चंस दागे जिनके जवाब में मोदी जी भी आए। आगे हम दोनों की क्या बातचीत हुई मेरे इस फेवरेट सेगमेंट में, जरा गौर फरमाइए। अरे मोदी जी अरे मोदी जी इस तरफ, अरे मोदी जी इस तरफ, आवाज आ रही है ना मेरी? जरा जोर से बोलिए। मैं ये कह रहा था हमारा पहला शो देखा आपने, याद है आपको पिछले हफ्ते? इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ से अंकित है। धन्य हो गया मैं, थैंक यू वेरी मच। जैसे मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ ना मोदी जी, लास्ट एपिसोड में मैंने अखिलेश जी और राहुल जी से बात की थी और राहुल जी तो हर सवाल में एक ही जवाब दे रहे थे, आपको पता है कौन सा जवाब था वो? गंगा यमुना जैसे। अरे बस बोलते नो मोर गंगा यमुना, मेरे कानों में गंगा और यमुना ने ऐसी सरस्वती घोल ली है ना कि मैं गालियां सुन सकता हूँ लेकिन गंगा यमुना नहीं सुन सकता। वैसे मोदी जी आपको हमारा वो म्यूजिकल सेगमेंट कैसा लगा जिसमें हम थोड़ा गाते बजाते हैं? वहां पर बजने वाला बैंड हिंदुस्तान भर के लोगों को झूमने की ताकत देता है भाइयों। अरे रे थैंक यू मोदी जी, भले एक बात कहूं, एक ही तो दिल होता है आदमी के शरीर में, कितनी बार जीतोगे हैं? मोदी रुकने वाला नहीं है। वो सब तो ठीक है पर हमने अपने शो के लिए स्पॉन्सर्स का जुगाड़ करने के लिए कहा था, उसका कुछ हुआ क्या? मतलब किसी छोटे व्यापारी से अगर बातचीत हुई हो तो हम लोग बात कर सकते हैं? छोटे छोटे गांव के व्यापारियों को परेशान करना ये मेरी सरकार को मंजूर नहीं है। तो छोटे से तो नहीं बात करनी, तो किसी बड़े से बात कर लीजिए, मेरे को तो लग रहा है आप सीरियसली ले ही नहीं रहे हो, मदद करने का आपका इरादा ही नहीं है मतलब कुछ। इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे निकालने का इरादा नहीं था? नहीं तो एक मिनट, नहीं था तो मतलब ये क्या है, मतलब आपने क्या किया फिर हमारे लिए? इस दिवाली में मैं चीन की सरहद पे गया था। चीन? वहाँ पे कोई स्पॉन्सर मिला? कुछ पूछा उसने हमारे बारे में, मतलब अगर कोई बात हुई हो? पाई पाई का हिसाब मांग रहा था, हर बारी चीज पूछ रहा था। अच्छा वैसे ये बात छोड़ते हैं, स्पॉन्सर हम मैनेज कर लेंगे, जी न्यूज़ बड़ा पॉपुलर चैनल है। नहीं आप एक बात बताइए, जिनकी वजह से आपको सबसे ज्यादा हिचकी आती है केजरीवाल जी, उनसे आपका क्या हिसाब है, मतलब वो जनता जानना चाह रही थोड़ा। यहाँ पे 2.5 साल में दिल्ली में आपने मुझे बिठाया, आपने AAP आपने, तो अगर दिल्ली में आपने बिठाया तो यूपी के लिए केजरीवाल सरकार ने क्या प्लान बनाया? दिल्ली सरकार आज उत्तर प्रदेश का जीवन बदलने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। अगर दिल्ली सरकार ही सब कुछ करेगी तो यूपी में आप रैली क्यों कर रहे हैं, यहाँ भी केजरीवाल जी को ही बुला लेते। वो लखनऊ में अटक जाएगा कि नहीं अटक जाएगा? तो मोदी सर एक बात तो आप भी मानोगे कि रिश्तेदार सभी को परेशान करते हैं, और वो कौन कौन से रिश्तेदार होते हैं उसकी लिस्ट एक बार बताइए, कौन कौन से होते हैं? कभी चाचा तो कभी पापा तो कभी चाची तो कभी भतीजा, कभी मामा तो कभी मामा का साला तो कभी साले का भतीजा तो कभी भतीजे की बहू। अच्छा मोदी जी रिश्तेदार तो निपट गए, मैं फिर से राजनीति पर एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या 2400 घंटे राजनीति करते रहोगे क्या? सॉरी आई एम रियली सॉरी, आप गुस्सा मत होइए, आप शांत, एक मिनट पानी दो ना यार, गुस्सा हो गया, पानी पी लिया, पानी पी लिया सर मैं, आप गुस्सा होके प्लीज मेरे से लड़ाई मत करिएगा, मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरे को लगा शायद मैं आपसे पूछ सकता हूँ इसलिए मैंने, सॉरी। मुझे बड़े बड़े बेईमानों से लड़ना है, मुझे मोहल्ले की कुश्ती नहीं करनी है। तो सर एक बात तो सुन लीजिए ना प्लीज, एक बात। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक लास्ट सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप
आप जो बोलेंगे मैं करूंगा, प्लीज प्लीज। दोनों हाथ बंद करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की जय। सर एक आखिरी सवाल पॉलिटिक्स पे, बस फिर मैं खत्म कर दूंगा। क्या 2400 घंटे राजनीति करते रहोगे क्या? सॉरी, माफ करिए, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे।